तो स्वागत है दोस्तों, वापस से लेके आए नए हम टॉपिक से। आज हम फिर से देखने वाले एक वीडियो 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 वीडियो। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डंकी ड्रॉप 4 यानी कि डंकी के ट्रेलर की। देखो कैसा है, 1 दिसंबर को अगर डायनासोर रोर करेगा तो उसके जवाब में एक सोल्जर अपना जवाब जरूर छोड़ेगा। तो आज का टॉपिक उसी के बेस पे है। पहले एक बार ट्रेलर देख लेते हैं, समझते हैं क्या है क्या नहीं है, आगे की बातें आफ्टर द ट्रेलर जरूर करेंगे। कहानी शुरू हुई थी 1995 में, जब मैंने लालटो में कदम रखा। 95 चार उल्लू दे पट्टे जो लंदन जाना चाहते थे। ओ बल्ली बाल काटता था। बाल छोटे करने हैं जी, बड़े कर सकता है, कर दे। गुगू पिजामिया बेचता था। मुझे इतने बड़े बड़े साइज क्यों दिखाता है, मैं स्मॉल साइज डालती हूँ। जी आंटी जी, आपने पजामी टांगों में चढ़ानी है, छोटी उंगली में चढ़ानी है। और सुखी अंग्रेजी झाड़ता रहता था। आई अंडरस्टैंड नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन कोलन सेमी कोलन कॉमा ते फुल स्टॉप। और उनके साथ मेरी मन्नू दुनिया से लड़ जाती है मेरे लिए। नमूना नहीं है ये, नहीं आती अंग्रेजी, हो गई गलती। कुश्ती खूब आती है कोच जी को, वहाँ गलती नहीं करते। आज तक लाइफ में मेरे लिए ये क्या है यार। तो जी मेरे लिए तो हो गई है मेरी वो गर्ल वाली फ्रेंड। मैं तो पक दूँ लुट गया मैं तो गया। ड्रॉप 2 को मिक्स कर दिया क्या? मैं आपको लंदन पहुंचा सकता हूँ, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। I want to go to lavatory. I want to go to lavatory. I don't want to go to lavatory. I to jit dan lavatory. So if you've no vocabulary, yaar. I propose to stay abroad. तुझे एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? ये नहीं रह रहा पंजाब में, इसको आता है एक भी पंजाबी का? 100 साल राज करके गए अंग्रेज हम, जब यू यहाँ आए थे हमने तो नहीं इनसे पूछा था कि भाई डिफरेंट शाहरुख लुक पूरा अलग दिख रहा है यार। तो ये कौन होते हैं हमको रोकने वाले? चल बे वतना फेर मिलांगे के लंबी बात करांगे। फ्रीक मजबूरी में अपना घर छोड़ा था, वरना कोई अपना देश अपना परिवार अपने दोस्तों को छोड़कर क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने। आवाज बहुत अलग है यार। ये कहानी मैंने शुरू की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा। 25 साल बाद मैं हूं हरदयाल सिंह ढिल्लों हाडी। जय हिंद। ओके भाई साहब, या तो ये एनिमल का फीवर है जिसकी वजह से अब उससे कम डोपामिन वाला कोई भी चीज अच्छा नहीं लग रहा, या तो फिर पता नहीं यार सही में इन लोग वो लेवल मतलब क्रॉस ही नहीं कर पा रहे यार। ये ट्रेलर इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे, बेसिकली अगर आप देखोगे तो बहुत ही फ्लैट स्टोरी लग रही है। है कुछ कहानी जिसकी वजह से वो गांव में आ रहा है, फिर उसके बाद से वो सारी चीजें आई डोंट नो, बट ऊपर से शाहरुख खान की वॉइस पूरी अलग लग रही है जिसमें समझ में नहीं आ रहा कि वो इतना नो बास एकदम ज्यादा वाली वॉइस पे क्यों बात कर रहे हैं पूरे ट्रेलर में, थ्रू आउट द ट्रेलर में। एंड अगेन यार जवान में उनको बुढ़ापे में देखा था हमने, एंड अगेन वही मतलब कुछ नया क्यों नहीं है। मुझे सीरियसली कुछ इतना सही नहीं लगा, बट हाँ इस पर एक रिव्यू वीडियो मेरा ज़रूर आएगा। तो ओवरऑल मैं इस ट्रेलर को देता हूँ 3 स्टार्स, एंड जो भी है जैसा भी है 3 मिनट 2 सेकंड का ये ट्रेलर है। एंड आई डोंट नो आप लोग में से कितने लोगों को ये पसंद आएगा कितने लोगों को नहीं आएगा। मूवी थोड़ी स्लो लग रही है, प्रिडिक्टेड है, मतलब पहले ही राजकुमार ईरानी ने बता दिया था कि ये वो क्या कहते हैं बॉलीवुड मासी मूवी टाइप नहीं है,
तो वैसे भी उनकी जो भी मूवीज होती है उसमें डीप थॉट्स एंड डीप स्टोरीज होती है, तो एक्सपेक्टेड है, बट स्टिल पता नहीं क्यों एक भी सीन कनेक्ट नहीं हो रहा है, ना ही कोई मनी शॉट दिख रहा है इस ट्रेलर में, ना ही कोई वाव फैक्टर आ रहा है, तो आई डोंट नो, मतलब अब मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि ये ट्रेलर अच्छा था या सलार का ट्रेलर अच्छा था। तो ओवरऑल भाई मेरी तरफ से इसको 3 स्टार है, आपको क्या लगता है, आपको डंकी का ट्रेलर अच्छा लगा, कंफ्यूजन दूर हुई कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो किसको देखा जाए, हुई या नहीं हुई, कैसे है क्या है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, मैं आपको मिलूंगा कुछ ही टाइम बाद इसके ही रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।